पिछले 5 महीनों से प्रदेश सरकार की बेरुखी से परेशान मनाली की ऊंची घाटी के लोगों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, जबकि पलचान और शनाग पंचायत की 600 परिवारों सहित 3000 से अधिक टैक्सी ऑपरेटरों ने भी ऊंची घाटी के लोगों का समर्थन देने का मन बनाया है। पिछले 5 महीनों से प्रदेश सरकार की बेरुखी से परेशान चल रहे घाटी के लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। रविवार को बरूहा के 400 से अधिक परिवारों ने पंचायती चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, जबकि पलचान और शनाग पंचायत के भी 600 परिवारों सहित 3000 से अधिक टैक्सी ऑपरेटर्स भी ऊंची घाटी को समर्थन देने की रणनीति बना रहे हैं। ग्रामीणों में महिलाओं का कहना है कि पर्यटन गतिविधियां बंद हो जाने से 1000 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रदेश सरकार उनके पुनर्वास के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, इको फ्रेंडली गतिविधियों को भी जानबूझकर शुरू नहीं करवाया जा रहा है। वहीं टैक्सी यूनियन के महासचिव मकरध्वज शर्मा ने कहा कि उनकी यूनियन घाटी के लोगों के साथ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र समस्याओं का समाधान नहीं करती तो यूनियन के 2500 टैक्सी ऑपरेटर्स भी चुनावों का बहिष्कार करेंगे। सभी लोग जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं और आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए जो है सरकार के ढूल भूल रवैये को और सरकार के नकारात्मक जो नीतियाँ हैं उसको देखते हुए सभी लोग जो एकजुट हो रहे हैं और सभी लोग जो एक मत में पंचायत के जो चुनाव आने वाले हैं इन चुनावों का बहिष्कार करने के लिए जो है आपस में तालमेल बना रहे हैं और कुछ ही दिनों में जो है सभी लोग जो एकजुट होकर के पंचायत के जो चुनाव है उसका बहिष्कार करने जा रहे हैं। सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।